कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर प्रशासन मास्क पहनने के लिए सख्ती करने लगा है। बार बार मुनादी के बाद भी लोगों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर बुधवार को एमजी रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें तहसीलदार कृष्णकांत शर्मा, नगरपालिका, राजस्व विभाग एवं पुलिस के संयुक्त अमले ने एमजी रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। यहां बिना मास्क वाहनों सहित पैदल गुजरने वालों और दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही कर कोरोना की जांच भी की गई। कार्यवाही से बिना मास्क आने जाने वालों में हड़कंप मच गया। कई लोग कार्यवाही देख रास्ता बदलते दिखाई दिए। तहसीलदार ने बताया, सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों के पालन के तहत बिना मास्क के पैदल घूमने वाले व दो पहिया वाहन चालकों के चालान बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। पिछले एक पखवाड़े से अनाउंसमेंट के माध्यम से दुकानदारों सहित राहगीरों को मास्क पहनने, दूरियों को पालन करने की हिदायत दी जा रही थी, बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी वर्तमान में कोविड इन्फेक्शन फैल रहा है, सभी लोगों को हम लोग समझाई दे रहे हैं कि वो बाज़ार में निकलते समय मास्क का उपयोग करें, और तमाम समझाइश के बावजूद भी जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी बहुत से बिना मास्क के निकल भी रहे हैं। जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उन्हें हम लोग समझाई दे रहे हैं और इसके अलावा चालान का भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम सर पूरा? प्रकांत शर्मा, तहसीलदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।